किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो तो हाय तोबा मच जाती है, लेकिन अगर दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो सवाल तक नहीं उठता। शायद दलितों की भावनाओं की किसी को नहीं पड़ी और इसलिए उनके बारे में बेतुके डायलॉग, पूर्वाग्रह से भरे पोस्टर और जाति सूचक शब्दों की भरमार होती है। दलितों को गूंगा, बहरा, दब्बू और चुप रहने वाला दिखाया जाता है, क्योंकि अगर उनकी भावनाओं की किसी को पड़ी होती तो वेब सीरीज तांडव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के अलावा SC/ST एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज हो चुका होता। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैफ अली खान और जिशान अयूब की वेब सीरीज तांडव में दलितों को अपमानित करने वाले कुछ सीन पर। पहले ही एपिसोड में प्रधानमंत्री का किरदार निभा रहे तिग्मांशु धूलिया अपने दलित सांसद को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं। जब दलित सांसद कैलाश कुमार कुछ बोलना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं, अब आप भी बोलोगे, इनके पिताजी थे, जूते टाकते थे, बहुत ही महीन कारीगर थे, वेरी हार्ड वर्किंग मैन। अब हम लोगों ने तुम लोगों पर सालों साल अत्याचार किए ना, उसी की वजह से तुम लोगों को आरक्षण की लाठी मिल गई और उसके बाद हम भी अपनी छवि ठीक करना चाहते थे, इसीलिए ये सब करना पड़ा। ये सब नहीं होता तो साले तुम्हारी औकात थी हमारे सामने बैठकर बात करने की, समझे बड़े भाई बोलने वाले। ये संवाद निहायत ही गलत और दलितों को बेइज्जत करने वाला है। ये एक जातिवादी नेता की हकीकत दिखाने से ज़्यादा दलितों को उनके औकात याद दिलाने जैसा दिखाई देता है। ऐसे संवाद को टाला जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर ये जातिवादी लाइनें स्क्रिप्ट में रखी गई होंगी। दूसरा, इस सीन में आरक्षण को भीख में मिली किसी लाठी की तरह बताने की कोशिश की गई है, जबकि आरक्षण सामाजिक न्याय की गारंटी है और उसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत मेहनत की है। लेखक और निर्माता को ये समझना चाहिए कि आरक्षण कोई भीख नहीं बल्कि सदियों से सताए गए समाज का संवैधानिक अधिकार है। इस वेब सीरीज में एक सवर्ण प्रोफेसर हैं, नाम है जिगर संपत। इस प्रोफेसर की पत्नी भी प्रोफेसर हैं, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी बिखर चुकी है और पत्नी तलाक का नोटिस थमा चुकी है। दरअसल जिगर की पत्नी संध्या अब उसी दलित सांसद कैलाश कुमार से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। वहीं प्रोफेसर संपत भी अपनी एक मुस्लिम छात्रा के साथ अवैध संबंध रखते हैं, लेकिन प्रोफेसर जिगर संपत अपनी पत्नी को समझाते हैं कि कैसे दलित आदमी से प्यार करना ठीक नहीं होता। वो कहते हैं, जब एक छोटी जात का आदमी ऊंची जात की औरत को डेट करता है तो असल में वो उससे बदला ले रहा होता है सदियों के अत्याचार का। यानी जिस तरह से कुछ हिंदूवादी संगठन हिंदू लड़कियों को ये समझाते हैं कि मुस्लिम लड़कों से प्यार करने का मतलब लव जिहाद है, उसी तरह बड़े ही महीन तरीके से डायलॉग लिखने वाले ने सवर्ण लड़कियों को ये बताना चाहा कि दलित लड़कों से प्यार करने की भूल मत करना, वरना वो तुम्हारे पूर्वजों के कुकर्मों का बदला अकेले तुमसे ही लेगा। ये पूरा दृश्य असल में इंटरकास्ट रिलेशनशिप और शादियों को बदनाम करने जैसा लगता है। सीरीज के 8वें एपिसोड तक आते आते दलित सांसद कैलाश कुमार देश के गृह मंत्री बन चुके हैं और प्रोफेसर संध्या उनके बच्चे की मां बनने वाली है। संध्या के पहले पति जिगर संपत कैलाश कुमार को सबक सिखाने और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए सीरीज के मुख्य किरदार से हाथ मिला लेता है और मीडिया में खबर उछाल देता है कि देश के गृह मंत्री कैलाश कुमार शादीशुदा होते हुए भी संध्या के साथ अवैध संबंध रखते हैं और संध्या उनके बच्चे की मां बनने वाली है। खबर ब्रेक होते ही कैलाश कुमार घबरा जाता है और अपने पॉलिटिकल का हवाला देकर संध्या को कुछ दिन चुप रहने को कहता है। दोनों में कहासुनी होती है और जाते जाते संध्या कैलाश के सामने वही डायलॉग दोहराती है जो उसके पहले पति प्रोफेसर जिगर ने उससे कहा था। वो कहती है, जिगर ने मुझसे एक बात कही थी, मुझे पहले लगा था कि वो बकवास है। उसने कहा था कि जब एक छोटी जात का आदमी ऊंची जात की औरत को डेट करता है तो असल में वो उससे बदला ले रहा होता है उस अकेली औरत से सदियों के अत्याचार का। मुझे लगता है कि शायद जिगर ठीक कह रहा था, यानी अंत में वो सवर्ण महिला भी मान लेती है कि एक दलित आदमी ने उससे सदियों का बदला लेने के लिए उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। अब इससे समाज में भला क्या संदेश जाएगा? दलित पुरुषों के बारे में सवर्ण महिलाएं क्या राय बनाएंगी? स्क्रिप्ट लिखने वाले ने यहाँ भी जाति का तड़का लगा दिया और एक कयास सवर्ण प्रोफेसर जो बाद में अपनी छात्रा की हत्या तक कर देता है उसकी जातिवादी सोच को सही साबित करवा दिया। वेब सीरीज तांडव की स्क्रिप्ट गौरव सोलंकी ने लिखी है और इन्हीं गौरव सोलंकी ने अनुभव सिन्हा के लिए आर्टिकल 15 की कहानी लिखी थी।
जिसमें एक ब्राह्मण को उन्होंने सुपर हीरो की तरह पेश किया और दलितों को गटर साफ करने वाला दिखाना ही उन्हें पसंद आया। तांडव में भी जिस तरह से जाति के सवाल पर गौरव सोलंकी ने फूहड़ता परोसी है, वो उनके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने को ही दिखाती है। निर्माता अली अब्बास जफर को भी दलितों को यूं अपमानित दिखाने में कोई दिक्कत नजर नहीं आई, क्योंकि आजकल दलित किरदारों की मार्केट में खूब डिमांड है। दरअसल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आजकल दलित किरदारों से खूब पैसा कमा रही है, लेकिन आलम यह है कि दलितों पर आधारित काल्पनिक किरदार निभाने के लिए भी वो सवर्ण कलाकारों को ही चुनते हैं और दलित किरदारों का मखौल उड़ाते हैं। फिल्म धारावाहिक या इस तरह की वेब सीरीज में पूर्वाग्रह से ग्रसित दलित किरदारों की बाढ़ सी आ गई है। दलितों को एक खास गढ़ी हुई छवि में दिखाया जाता है और उनके लिए अपमानजनक शब्दों और जाति सूचक गालियों तक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। आर्टिकल 15 से लेकर प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम तक, हाथ में झाड़ू पकड़े ऋचा चड्ढा की फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर से लेकर अली अब्बास जफर के तांडव तक दलितों के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है। सवर्ण निर्माताओं, निर्देशकों और लेखकों को ये समझना होगा कि इस तरह की भाषा और डायलॉग से आप उस समाज के व्यक्ति को ना सिर्फ अपमानित करने का काम करते हैं, बल्कि उनके जख्मों को भी कुरेदते हैं। साथ ही आप दुष्ट मनु की सोच को भी प्रदर्शित करते हैं, जो शूद्रों अति शूद्रों को चुप रहने, चुपचाप जुल्म सहने और आत्मसम्मान को मारकर जीने के लिए मजबूर करती है। क्यों आपको खुददार, आत्मसम्मान से भरे हुए, जोशीले, टैलेंटेड और प्रेरक दलित किरदार पसंद नहीं आते? इस बारे में सोशल मीडिया पर भी कुछ टिप्पणियां आई हैं, वो भी पढ़ लेनी चाहिए। पत्रकार सरोज कुमार लिखते हैं, अगर कोई सवर्ण लेखक ये लिख रहा, कहलवा रहा है कि दलित पुरुष सवर्ण स्त्री से प्रेम करता है, तो दरअसल अपने ऊपर हुए सदियों के अत्याचार का बदला ले रहा होता है। तो वो सवर्ण लेखक ऐसा कहकर अपनी और अपने जैसे लोगों की सवर्ण ब्राह्मणवादी बलात्कारी मानसिकता को ही प्रदर्शित कर रहा होता है, क्योंकि स्त्री उसके लिए एक टूल की तरह है। वे ही तो सदियों से यौन हिंसा को दमन के लिए हथियार की तरह यूज करते आ रहे हैं। वहीं फेसबुक पर पंडित वी एस पेरियार ने लिखा, तांडव में आपकी भावना उस बात से आहत हुई जो ब्राह्मण कैरेक्टर ने कहा, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, एक जातिवादी ब्राह्मण शायद वाकई में ऐसा ही सोचता है, इसलिए वो दिखाकर तो ब्राह्मण को एक्सपोज किया गया है। मेरी भावना उस बात से आहत हुई है कि दलित कैरेक्टर को सही जवाब नहीं दिलवाया गया, जो हम आप आसानी से दे सकते हैं। मेरी आपत्ति ब्राह्मणी कहानियों में दलित पात्र को खामोश करने से है, शूद्र को बोलने का हक नहीं, इस चीज़ को लागू करने से है। आखिर दलित कैरेक्टर के मुँह से सटीक जवाब क्यों नहीं बुलवाया जाता? या तो हमारा कैरेक्टर मत रखो, या हमारा पात्र भी बोले। ब्राह्मणवाद ये नहीं कि ब्राह्मण बुरा बोले, ब्राह्मणवाद ये है कि बस वही बोले, वो गाली भी दे और हम जवाब भी देना रहे हों। मेरी आपत्ति यहाँ है। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी इस बारे में गंभीर टिप्पणी की है। वो लिखते हैं, हमारे पात्र सीरियल और फिल्मों में गूंगे क्यों हैं? लगान का कचरा चुप क्यों रहता है? तांडव के दलित पात्र का भी यही हाल है। आर्टिकल 15 में हमारा बंदा मरने के अलावा कुछ नहीं करता, जो अच्छा करना है वो ब्राह्मण अफसरों से करवाया गया है। बड़ी गड़बड़ी है यहाँ। सवर्णों की गाली गलौज पर ज़्यादा उत्तेजित होने की जगह अपने पात्रों को गूंगा रखे जाने पर शिकायत होनी चाहिए। बोलना चाहिए जैसे पार रंजीत की फिल्म काला और कबाली का दलित रजनीकांत बोलता है, हिंदी वाले नहीं सुधरेंगे। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, विवाद बढ़ने के बाद निर्माताओं ने इन तीनों दृश्यों को हटा लिया है, साथ ही कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले सीन को भी अब आप इस वेब सीरीज में नहीं देख सकते। इसलिए हमने सोचा कि आपको जरा विस्तार से पूरा मामला समझा दें, आपको समझा दें कि कैसे मनुवादी, ब्राह्मणवादी सोच के लोग इस तरह के डायलॉग और स्क्रिप्ट के जरिए अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ आई हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी पर हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन और मेरे सहयोगी अंशु। जय भीम, जय भारत।